हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवाशीष अवस्थी जैसे आपको पता होगा हम डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आते हैं तो बच गए हैं मॉर्निंग सिक्स ए एम और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज है ट्वेंटी नाइन्थ मार्च आज की क्वेश्चन एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है इसको एंड तक जरूर देखना आपके लिए एग्जाम के लिए एमसीक्यू फॉर्म में आज की टोटली करंट अफेयर्स मैंने आपके लिए सिंगल लेक्चर में कवर करा दिए ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि हमें मैं फिर से बार बार बोलता हूं कि लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है एटलीस्ट आप लाइक करेंगे तो हम ऐसे लेक्चर्स और बनाते रहेंगे ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्वेंटी मार्च की करंट अफेयर्स देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन रिसेंटली हु विल अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट

और ये अगर नहीं बनते हो तो यू कैनॉट मार्क द आंसर मतलब आपको अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते शायद मैं आपको इमेज दिखाऊं तब भी आप नहीं पहचान पा रंगे कि कौन अभी रिसेंटली अपॉइंट हुआ है तो so, डायरेक्टली याद कर लो इसको सिर्फ याद करना पड़ेगा फैक्चुअली करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा दियो में याद रखिएगा तो ये जो है वो रिसेंटली याद रखिएगा दैट इज दियो में ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल ओके मैं सेनेगल कंट्री आपको मैपिंग में दिखाता हूँ शायद आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि यंगेस्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं इस कंट्री के ये अफ्रीका कंट्री है देख सकते हूं वेस्टर्न साइड में देखेंगे ये आपको सेनेगल दिख रही है ओके okay? इसी कैपिटल जो है दकार याद रखिए कैपिटल क्या है दकार है और इसके भी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया बसीरो दियो में जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए सेनेगल के और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट है इसलिए चांसेस थोड़े ज्यादा हैं पूछे आने के एट द एज ऑफ फोर्टी फोर ईयर्स ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए मैंने अभी आपको बताया सेनेगल की कैपिटल है दाकार याद रखिएगा करेंसी वेस्ट अफ्रीकन सी एफ फ्रैंक जो है वैसी करेंसी है ओके okay? बट मेरा माना कैपिटल याद रखिएगा और लोकेशन याद रखिएगा अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में क्योंकि लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम्स के लिए ओके okay? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रिसेंटली विच कंट्री इज डिप्लॉइंग सेवरल एटोमिक क्लॉक्स अक्रॉस द कंट्री इंश्योर दट ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर ट्रूली बेस्ड ऑन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एटॉमिक क्लॉक्स को याद रखेगा एक्रॉस द कंट्री एंश्योर किया जा रहा है ओके okay, डिप्लॉय किया जा रहा है जिससे कि क्या हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बेस पर सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वर्क करें तो कौन सी कंट्री ऐसा कर रही होगी देखिए मैंने यहाँ ही दिया है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करें तो यू कैन डायरेक्टली गेस्ट टू द आंसर गेट द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ इंडिया ओके आप कहेंगे ये है क्या आपको क्वेश्चन थोड़ा फिर से समझाइए मैं आपको समझा देता हूँ देखिए एक्चुअली क्या है जितने भी आप डिवाइसेस यूज़ करते हैं जैसे कि स्मार्टफोन डिजिटल वॉच एट्सेट्रा बहुत सारे आप डिवाइसेस यूज़ करते हैं ठीक है वो आई पर चलें इसका एक्चुअली होता क्या है एट प्रेजेंट मोस्ट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग मॉड्यूल्स जो हैं जैसे कि विंडोज हो गया एंड्रॉयड रिलाय ऑन यू एस बेस्ड नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर्स सर्वर्स याद रखिएगा यूएस बेस्ड नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर्स पर वो वर्क करते हैं ओके okay. और हम चाहते हैं कि वो याद रखिएगा इसलिए हम एटोमिक क्लॉक डिप्लॉय कर रहे हैं है ना जिससे कि क्या हो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर ट्रूली बेस हो सके ठीक है अभी दूसरी कंट्री पर बेस्ड हैं तो इंडियन बेस्ड हो सके और अभी फोर कंट्री सिर्फ यूएसए जापान और साउथ कोरिया है जिन्होंने अपनी खुद की याद डेवलप की। okay? तो इंडिया देख सकते हैं आज टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है सो so इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा आएगा आपके एग्जाम में यू हैव टू मार्क द आंसर दैट इज इंडिया ओके चलिए नेक्स्ट रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश थर्ड फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट याद रखिएगा फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है अब आप फूड देख रहे होंगे फूड सोच के आप हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आंसर सोच सकते हैं बट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंसर नहीं इसका करेक्ट आंसर है यू एन ई पी दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने ये रिपोर्ट पब्लिश की सीधा क्वेश्चन आएगा ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है क्योंकि रिपोर्ट से क्वेश्चन एग्जाम में एक जरूर आता है लेटेस्ट रिपोर्ट है याद रखिएगा सबसे पहली रिपोर्ट यू एन ई पी ने टू थाउजेंड इलेवन में याद देखिए इस वेस्ट इंडेक्स को दैट इज फर्स्ट फूड वेस्ट इंडेक्स को पब्लिश किया था और अभी रिसेंटली पब्लिश किया है न्यूज़ में है थर्ड फूड वेस्ट इंडेक्स ट्वेंटी फोर को इसको पब्लिश किया किसने यू एन ई पी ने अब सोचेंगे इस यू एन ई पी है क्या मैं बता देता हूँ है मतलब एक बॉडी है केन्या okay, में, तो का का में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते नेक्स्ट क्वेश्चन फोर विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट दिस इज इंपॉर्टेंट पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी सब्मिट किस कंट्री ने होस्ट किया है ऑप्शंस आपके सामने हैं अब आप मार्च में सोच रहे होंगे इंडिया बेस्ड हो सकता है आंसर बट इंडिया आंसर नहीं है क्योंकि वरना न्यूज में ही रहता ओके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम ओके मैं आपको बता देता हूँ इसे न्यूक्लियर एनर्जी सममिट के बारे में जो फर्स्ट चबर बेल्जियम ने होस्ट की है बेल्जियम के साथ साथ याद रखिएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दैट इज आई ए आई ए ए दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑफ बेल्जियम ने मिलकर इसको फर्स्ट एवर इसको होस्ट किया है, है ना तो याद रखिएगा बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है सबमिट में और ऑब्जेक्टिव क्या था ऑब्जेक्टिव यह था टू तो अलाउ पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट जो है वो याद रखेगा टू तो प्रेजेंट देयर स्ट्रैटेजीज एंड प्लान्स विच विल बी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजिंग न्यूक्लियर पावर टू रीच नेट जीरो आजकल नेट जीरो वर्क कर रही है कंट्रीज ओके तो किस तरह नेट जीरो इमिशन हो सकते हैं उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है क्या आपने स्ट्रेटेजीज डेवलप किए कंट्रीज ने उसको यहां पर याद रखी कि किस तरह न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं टू तो क्रिएट नेट जीरो एमिशन उसके लिए सबमिट हुई थी याद रख सबमिट क्या हुई थी दैट इज बेल्जियम में अब आप यहाँ पर मैंने दो बॉडियो का नाम लिया ए दो चीज़ का नाम दिया एक लिया बेल्जियम और एक लिया मैंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी याद रखिए ये जो एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है क्योंकि क्वेश्चन क्यों, क्यों, कभी कभी डायरेक्टली यही पूछ लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसलिए मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में भी आपको बता रहा हूँ फाउंड वी दी ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन में ओके okay. दूसरा मैंने बेल्जियम का नाम लिया जिसकी कैपिटल ब्रूसल्स है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा नाटो ठीक है उसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रूसल्स ही है ओके इसकी करेंसी है बेल्जियन फ्लैंग और किंग फिलिप ऑफ बेल्जियम जो है इसके किंग है ठीक है तो एटलीस्ट आपको कैपिटल जरूर पता होनी चाहिए इसकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ इन विच कंट्री नाइन्थ वुमेन क्रिकेट ट्वेंटी ट्वेंटी एशिया कप विल बी ऑर्गेनाइज इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो एशिया कप ट्वेंटी ट्वेंटी के फॉर्मेट में वुमेन्स का कहां हो रहा है नाइन्थ एडिशन का हो रहा है है ना कहां हो रहा है ऑप्शन है भूटान नेपाल इंडिया श्रीलंका अगेन आप लोग सोचोगे इंडिया में हो रहा है इंडिया में नहीं हो रहा है ये हो रहा है श्रीलंका में कहाँ पे हो रहा है श्रीलंका में हो रहा है वुमेन्स भी हमारी एशिया कप जीतती आई है मोस्ट सक्सेसफुल टीम है एशिया कप जीतने में ओके लास्ट जो इससे पहले एडिशन हुआ था एर्थ एडिशन याद यानी कि बांग्लादेश में हुआ था 2022 में उसको भी इंडिया ने जीता था ओके ये नाइन्थ एडिशन है बता दूं नाइन्टीन से ट्वेंटी जुलाई तक ये इवेंट चलेगा ओके एट कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी आई होप इंडिया विल विन बिकॉज इंडिया इज अ सक्सेसफुल टीम इन एशिया कप टूर्नामेंट्स इंडिया सक्सेसफुल टीम रही है इसमें अफकोर्स में ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री नहीं रहती है तो हमारे चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं ओके चलिए और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कैपिटल क्या है कोलंबो करेंसी क्या है श्रीलंका रूपी श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है तो याद रखिएगा रनिल विक्रम सिंघे जो है उसके याद रखिए प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुनावर्धन है तो ये दोनों प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपकी नेबरिंग कंट्री है चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं चलिए नेक्स्ट है आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन है किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में यह आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन ओके ऑप्शन है आपके सामने यह कॉन्फ्रेंस जो है याद रखिएगा न्यू दिल्ली में होगी कहां पे होगी न्यू दिल्ली में मैं आपको बताता हूँ इसमें ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है हाइब्रिड मोड में होगी मतलब वर्चुअल भी होगी और फिजिकली भी होगी दोनों मोड में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस मैं आपको बता दूँ पहले ये ऑनलाइन मोड में होगी और वी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पहले जो होगी ऑनलाइन वो ट्वेंटी मार्च को होगी मतलब वर्चुअल फॉर्मेट में फिर आप देखेंगे फिजिकल फॉर्मेट फॉर्मेट में ये फर्स्ट और सेकेंड अप्रैल को होगी तो देखिए ये अप्रैल में भी ये चीज वापस न्यूज में आएगी मैंने अभी से आपको बता दिया है ओके okay? तो ये आपको याद रखना आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस का होने वाली इस बार न्यू डेली में इन हाइब्रिड मॉडल ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ में आते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ ब्रांड फाइनेंस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर विच इज द वर्ल्ड स्ट्रॉगेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड ओके वर्ल्ड स्ट्रॉगेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड की मैंने बात की है ऑप्शन देखिए एच डी एफ सी है मैक्स है रिलायंस है करेक्ट आंसर आपकी वही बॉडी दैट इज एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है याद रखिएगा ब्रांड फाइनेंस 2024 में ये बोला गया वर्ल्ड स्ट्रॉगेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है अगर मैं एल के बारे में बात करूं याद रखिएगा इसका अगर ब्रांड वैल्यू की अगर हम बात करें तो एट मिलियन रुपीज की याद रखिएगा इसकी ब्रांड वैल्यू है इस ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात बताई गई है और एल अगर बात करें तो एल आई के चेयरमैन आपको पता होना चाहिए सिद्धार्थ मोहंती हैं जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये फॉर्म हुई थी फर्स्ट सेप्टेम्बर 1956 में याद रखिएगा 1956 में एल आई सी वॉस फॉर्म ओके चले नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ यू आई थिंक यू पी का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए अभी रिसेंटली uh, डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं या देखिए किसके यूपीएससी के इन मार्च 2024 उनका नाम क्या है यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं डायरेक्टली बताना है याद रखिएगा इनका नाम है दैट इज हंसा मिश्रा याद रखिएगा हंसा मिश्रा जो है वो याद रखिएगा शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ यू और यू के बारे में पता हो चाहिए नाइनटीन में यूपीएससी फॉर्म हुआ था न्यू डेली में हेडक्वार्टर और अभी एट प्रेजेंट जो चेयरमैन है यूपीएससी के प्रेसिडेंट कह सकते हो और चेयरमैन कह सकते हो मनोज सोनी जी हैं ओके कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ सबसे पहला चेयरमैन फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। 1926 में फॉर्म हुई थी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे ओके। चलिए क्वेश्चन नाइन्थ में आते हैं रिसेंटली इन विच स्टेट अंड्रेड ईयर ओल्ड कन्नड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ कल्याण चालुक्या डायनेस्टी वॉज फाउंड ओके okay, तो 900 ईयर ओल्ड कन्नड़ याद रखिएगा इंस्क्रिप्शन ऑफ कल्याण चालू क्या रिसेंटली न्यूज में भी आया है uh, मैं आपको इमेज दिखा देता हूं देख सकते हैं डिस्कवरी की किस स्टेट ने फॉर्म किया है डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज तेलंगाना तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज तेलंगाना मैंने लिख भी रखा है यह भी वहां पर फॉर्म फाउंड हुआ है ओके कमेंट बॉक्स में मुझे तेलंगाना के गवर्नर कौन है ओके एट प्रेजेंट इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना और तेलंगाना की सीएम कौन है दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तेलंगाना गवर्नर एंड तेलंगाना सीएम ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन में टेंथ में आते हैं हु अपॉइंटेड एस को चेयर ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलेटिक कमेटी पैनल ओके बहुत फेमस पर्सन अपॉइंट हुए हैं, बता दूं, हॉकी से रिलेटेड है तो हॉकी के ही बहुत फेमस प्लेयर है बताऊँ गोल कीपर रहे हैं इंडिया के फॉर्मर गोल कीपर रहे हैं ऑप्शन आपके सामने हैं आई थिंक मैंने एक ही आपने अगर हॉकी का नाम सुना होगा तो उस प्लेयर का नाम जरूर सुना होगा दैट इज द पी आर सृजेश He has been appointed के साथ एक चिले की फीमेल भी अपॉइंट हुई है याद रखिएगा तो पी आर राजेश बहुत सॉरी पी आर स्रजेश जो है बहुत फेमस हॉकी प्लेयर रहे हैं ओके तो फॉर्मर इंडियन मेन्स हॉकी टीम कैप्टन भी रहे हैं और गोलकीपर भी रहे हैं स्रजेश और उनके साथ साथ कैमिला कैरम जो कि चिले की वुमेन की प्लेयर हैं ओके तो अपॉइंटेड इन एथलेटिक्स कमेटी के पैनल के लिए वो लोग याद रखिए कोच ईयर अपॉइंट हुए हैं ओके इसके लिए जो हमारे हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है दिलीप तिरके उन्होंने कांग्रेचुलेट भी किया है तो ये भी याद उस पूछ लिया हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है ये भी क्वेश्चन आ सकता है तो दिलीप तिरके जो है वो हॉकी प्रेसिडेंट है तो याद रखिएगा अभी आपसे अगर पूछा है इंडिया में पूछा है कौन अपॉइंट हुआ है को चेयर ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलेटिक्स कमिटी पैनल में कौन अपॉइंट हुआ है तो आपको आंसर लगाना है पियास रिजेश okay? जो बहुत फेमस हॉकी गोलकीपर रहे हैं ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन साल हूँ मैं, नोट कर लो इसे। विच प्रोग्राम विल बी ऑर्गेनाइज बाई इसरो प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है टू इंक्रीज स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस अमंग यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स इन अप्रैल में 2024 तो यू जी और पी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके अंदर इंटरेस्ट आए किसका स्पेस को लेके साइंस में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को लेके उसके लिए कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है ऑप्शन संकल्प विकास इस करके ऑप्शन दिए रहेंगे जस्ट टू कंफ्यूज यू बट करेक्ट आंसर है स्टार्ट ट्वेंटी मैं फुल फॉर्म बताता हूँ स्टार्ट ट्वेंटी का क्या है स्टार्ट ट्वेंटी का फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग ये इसका फुल फॉर्म है और इसके थ्रू याद रखिएगा अच्छा ऑनलाइन प्रोग्राम जहां पर इसरो जो है वो पीजी और यूजी के स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट पड़े स्पेस साइंस में उसके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया दैट इज स्टार्ट याद रखिएगा स्टार्ट ट्वेंटी तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन पूछा सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन ट्वेल्थ हु बिकेम फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू साइन लेटिन अमेरिकन क्लब फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू साइन लेटिन अमेरिकन क्लब ओके तो कौन हो सकते हैं ये प्लेयर ठीक है अब यहाँ सुनील छेत्री लिखा हुआ है आप सोचेंगे सर सुनील छेत्री का ही नाम हमने सुना हुआ है बट इसका करेक्ट आंसर सुनील छेत्री नहीं है याद रखिएगा उनका करेक्ट आंसर विजय छेत्री याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर

असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन दैट इज यू एन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यूएन डी आर आर इसके लिए कौन अपॉइंट हुए हैं एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले जापान के थे जो पहले थे और अब कोई इंडियन अपॉइंट हो गए हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई इंडिया अपॉइंट इंडियन को अपॉइंट हुए जिनका नाम है ऑप्शन नंबर एक कमल किशोर याद रखिए कमल किशोर जी जो है वो अपॉइंट हुएगी उनकी इमेज है याद रखिएगा और उन्होंने सक्सीड किया है मामी बिजोतोरी जो जापान के हैं उनको सक्सीड किया इन्होंने कमल किशोर जी ने ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज द ऑथर ऑफ द बुक याद रखियेगा ऑथर और बुक से क्वेश्चन जरूर आते हैं इसलिए आपको जो लेटेस्ट बुक आई होगी उसके ऑथर आपको पता होना चाहिए जैसे कि बुक का नाम है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड ओके ये रिसेंटली बुक पब्लिश की गई है मैंने इसका ऑथर आपसे पूछ लिया है तो आपको पता होना चाहिए इसके ऑथर कौन है ठीक है आ, बहुत फेमस पर्सनलिटी रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट है इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या नाम है एस रमन याद रखिएगा अगर मैं एस रमन की बात करूँ तो याद रखिएगा ये एम रह चुके हैं कैनरा बैंक के और इवन फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी भी रह चुके हैं ओके तो इनके बारे में पता होना चाहिए एस रमन की जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है फ्रॉम अकाश शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड ओके तो ये आपको याद रखना है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी और किसका है एस रमन तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यू हैव टू मार्क द आंसर ओके तो ये थे आज के करंट अफेयर्स जो मैंने डिस्कस कर दिए अब आप चाहे ना आप क्रॉस चेक करना चाहे तो आप डाल के गूगल में चेक कर लेना सारे एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स लाता हूँ ऐसा नहीं कि डेट डाल दूँ पुराने करंट अफेयर्स आपको कराऊँ लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स रहते हैं वो सारे डिस्कस करते हैं जितनी भी न्यूज़ में रहती हैं सारी चीज़ें हम कवर कर देते हैं ओके अगर आप लेक्चर डेली मॉर्निंग में देख लेते हैं तो आपका एक रिफ्रेशमेंट हो जाएगा और बाद में भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं बट लेक्चर को देखिए देखा जरूर करिए ओके अगर आपको इतनी में हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया करो एटलीस्ट ओके जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा इफ यू वांट टू डोनेट टू अस याद रखिएगा एक वॉलेंटरली डोनेशन रहती है अगर आप केपेबल हैं अगर आपकी हेल्प हो रही हो एग्जाम्स में तो या रखिए हमारा क्यू कोड है यू कैन डोनेट ये फोन पे पेटम गूगल पे, 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 पे नंबर भी मैंशन है इट्स जस्ट आप वॉलेंटरली डोनेशन इफ यू आर केपेबल यू कैन इफ यू आर गेटिंग हेल्प बाय अस देन यू कैन डोनेट अगर नहीं है कोई बात नहीं आप वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए उससे भी हमारी हेल्प होती है ओके अब आप कहेंगे सर ये करंट अफेयर्स कर ली बट what अबाउट द सब्जेक्ट्स what अबाउट पॉलिटिक geography हिस्ट्री इकोनॉमिक्स इसके लिए याद है कि हमारे नोट्स हैंड रिइटर नोट्स इन नोट्स का आप ऑर्डर कर सकते हैं करंट अफेयर्स की भी आपको बुक मिल जाएगी लास्ट वन ईयर की ओके इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मैंशन है याद देखिए हर सब्जेक्ट का चाहे वो आप एनवायरमेंट हो चाहे वो आपकी बायोलॉजी हो चाहे वो आपकी इंडियन पॉलिटी हो ओके सारी चीजें आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी ठीक है इवन आपको यहां पर आर्ट एंड कल्चर हो ये सारी बुकलेट जो हैं, ये आपको अवेलेबल होंगी याद रखिएगा ये सारी चीजें सारे नोट्स जो हैं ये आपको अवेलेबल होंगे और ये नोट्स जो हैं ठीक है इनको ऑर्डर करने के लिए नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सएप करिए कॉल करिए और इन नोट्स को अपने घर में मंगवा सकते हैं आप चाहें तो इनकी सॉफ्ट कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप जल्दी चाहते हैं तो ओके प्लस मैं आपको बता दूँ ये नोट्स के साथ आपको इनकी क्लासेज भी अवेलेबल हो जाएंगी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ आप वहाँ जाकर एप्लीकेशन से याद रखिएगा ये क्लासेस को देख सकते हैं प्लस अगर आप चाहते हो कि Uh, कोई डाउट क्वेरी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा तो ओके okay, सारी क्लासेज अवेलेबल है हर सब्जेक्ट की आप यहाँ पर क्लासेस ले सकते हैं नोट्स अवेलेबल होंगे याद रखिएगा अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है यू कैन प्रिपेयर आप एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं यू की प्रिपरेशन कर रहे हो याद रखिएगा प्री मेन्स आंसर राइटिंग लाइफ टाइम एक्सेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे अदर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो स्टिल एप्लीकेशन में हर चीज़ अवेलेबल है नोट्स अवेलेबल है क्लासेज अवेलेबल हैं आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे करना क्या व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर व्हाट्सएप करिए पिंग करिए हम आपको सारी डिटेल्स आपको बताएंगे ओके आप चाहें तो एप्लीकेशन से भी चीज़ों को डाउनलोड या तो परचेज कर सकते हैं याद रखिए डेली करंट अफेयर्स एक डेली का इनिशिएटिव है आई थिंक इसके लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि डेली करंट अफेयर्स निकालना जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उनको क्वेश्चन फॉर्म में ला आपके सामने लाना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है तो आई थिंक आप इस चैलेंजिंग टास्क को अप्रिशिएट जरूर करेंगे तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डेली लेक्चर्स को देखिए आपकी करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी ओके और याद रखिएगा मैं आपके सामने एक मैं इवनिंग सीरीज चला रहा था बट उसमें व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं आई थिंक बहुत से लोग आ, इवनिंग में लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इस चाह रहा हूँ कि डेली करंट अफेयर्स तो हमारी सिक्स एम पे चल रही है उसको भी मैं मॉर्निंग में ही इलेवन ए में शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ इंस्टेड ऑफ इवनिंग वी आर गोइंग टू शिफ्ट एट मॉर्निंग ओनली तो अगर आपको क्या लगता है कि इवनिंग की जगह हम उसको भी इलेवन ए पे ही कर दें तो कैसा रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा ओके फर्स्ट टाइम चैनल में आओ चैनल को विजिट जरूर करो एक बार आपकी याद रखिएगा देखिएगा हमारे सेवन के फॉलोअर्स भी हो गए दैट इज सेवन लैक फॉलोअर्स हमारे कंप्लीट हो गए सो थैंक यू एवरी फॉर सब्सक्राइबिंग आर चैनल ऐसे सब्सक्राइब करते रहिए हमें वन मिलियन तक पहुंचना है और जल्दी हम वन मिलियन तक पहुंचेंगे ओके आपका सपोर्ट की जरूरत है सो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया करिए और इसका पी डी एफ का मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओके कोई डाउट पे रहिए जरूर मैंशन करिए और नोट्स चाहिए हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे मैंशन है आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू एवरीवन जय हिंद जय जे भारत